अगर तुम किसी एक स्किल के साथ कंपनी को जितनी सर्विस दे रहे हो उतना ही तो तुम्हें पैसा देंगे। अगर तुम किसी कंपनी में ऑफिस बॉय हो तो जो तुम्हारा काम है उसके हिसाब से तो तुमको पे करेंगे। अगर तुम एक कंपनी में गए वहां पर ऑटोकैड के बेस पे काम करने लगे, एग्जांपल ले रहा हूं सिविल का हूं तो सिविल का एग्जांपल देता हूं, ऑटोकैड के बेस पे काम करने लगे तो मैं तुमको 6 लाख रुपए कहां से दे दूंगा मंथली। तुम ऑटोकैड के साथ स्टैट प्रो सीखो ना, स्टैट प्रो सीखो, स्टैट प्रो और ऑटोकैड दोनों संभालो, मैं तुम्हारी सैलरी कैसे नहीं बढ़ाऊंगा। तुम स्टैट प्रो ऑटोकैड रैबिट संभालो ना, मैं तुम्हारी सैलरी कैसे नहीं बढ़ाऊंगा। मीन्स जितना ऐड करोगे वैल्यू कंपनी के लिए उतना ही तो पैकेज मिलेगा। तुम यूनिक सिविल में आते हो, यूनिक सिविल को जितना तुम्हारे वजह से प्रॉफिट होगा उतनी तो तुम्हारी सैलरी होगी ना। अगर तुम इसको बोल रहे हो कि सर यूनिक सिविल में सिर्फ इतना काम कर सकता हूँ कि आपकी वीडियो एडिट कर सकता हूँ, तो मैं 10 लाख रुपए तुमको थोड़ी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि सर यूनिक सिविल में मैं इस तरह से बेनिफिट्स ऐड कर सकता हूँ, या फिर आप बोलते हो कि सर मुझे स्टार्टिंग इतना दीजिए, जितना काम करूंगा उसके हिसाब से दीजिए, डेफिनेटली मैं दूंगा।